अयोध्या में सिविल लाइन्स स्थित गांधी पार्क में एकजुट हुए कांग्रेसियों ने अपनी पार्टी के झंडे का राम जन्मभूमि पथ पर अपमान किए जाने का विरोध करते हुए एक दिवसीय अनशन किया। इस दौरान अनशनकारी कांग्रेसियों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल 15 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या दर्शन करने गया था। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि पथ पर कुछ उपद्रवियों ने कांग्रेस पार्टी के ध्वजवाहक अनोखे लाल तिवारी से झंडा छीन लिया, जिसका विरोध करने पर दबंगों ने झंडे का अपमान कर कांग्रेसियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया, जिसके खिलाफ आज कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वेद कमल सिंह के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय अनशन किया, जिसको लेकर कांग्रेस के जिला प्रवक्ता सुनील कृष्णा गौतम ने बताया कि संविधान ने हर व्यक्ति को अपना धर्म पंथ और पार्टी का अनुकरण करने का अधिकार दिया है। किसी पार्टी के झंडे का इस तरह अपमान करना यह दर्शाता है कि बीजेपी सरकार को लोकतंत्र में आस्था नहीं है और वह इस देश में तानाशाही लाना चाहती। सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र में इस तरीके की घटना होना बहुत ही निंदनीय है। 15 तारीख को हमारा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेट हमारे प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राज जी के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि स्थित रामलला का दर्शन करने के लिए आया था। वहाँ पर हमारे वयोवृद्ध नेता जो कि अमेठी के रहने वाले हैं अनोखे लाल तिवारी जी, उन पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने साजिशन हमला किया और झंडा कांग्रेस पार्टी के झंडे का अपमान किया। इस घटना के विरोध में आज हम यहाँ गांधी पार्क में अनशन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ऐसी कायराना कृत्य करने वाले को तत्काल प्रशासन उनको संज्ञान मिले और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम करें। देखिए, कांग्रेस पार्टी का सिपाही कहीं जाएगा तो उसके मन में भी तिरंगा है और तन पे भी तिरंगा है और वो तिरंगा लेकर ही जाएगा। और ये एक लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान, यहाँ आप किसी भी धर्म पंथ पार्टी और झंडे को अपना सकते हैं, उसके लिए कोई भी किसी को बाध्य नहीं कर सकता है। ये कानून कहीं से जुर्म नहीं है कि हम पार्टी का झंडा लेके भगवान के मंदिर में जाएं। लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो और ऐसी कायराना हरकत करने वालों को जेल भेजा जाए। अब देखिए, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई इसकी जानकारी तुमको है नहीं, ये आप पूछिए कि क्या कार्रवाई कर रही पुलिस। नहीं, प्रशासन को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। जब इतना वीआईपी मूवमेंट वहाँ पर था तो प्रशासन को वहाँ पर सुरक्षा रखनी चाहिए थी और ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करके उन लोगों को जेल भेजना चाहिए।